ज्ञान यज्ञ की इस अनोखी कक्षा में आपका स्वागत है। मैं हूँ आरती। चलिए शुरू करते हैं आज का अध्याय। एमएस पावर पॉइंट 2007 के इस अध्याय के अंतर्गत हम सीखेंगे होम टैब के अंतर्गत स्लाइड्स ब्लॉक में नई स्लाइड लाना और स्लाइड लेआउट का उपयोग करना। यह है हमारी पहली स्लाइड और इस पर हमने टाइटल और सबटाइटल इसमें दे दिया है। अब मान लीजिए आगे की स्लाइड बनाना है तो हमको नई स्लाइड की ज़रूरत पड़ेगी। जिस तरह से कि एमएस वर्ड में जब हमने काम किया तो आपने देखा कि उसमें हमको पेजेस मिलते हैं टेक्स्ट लिखने के लिए और एक पेज पर काम हो जाने पर हम दूसरे पेज पर जाते हैं। एमएस एक्सेल में हमें वर्कशीट्स मिलती हैं और एक वर्कशीट पर काम हो गया है तो आप दूसरी वर्कशीट ले सकते हैं, उस पर काम कर सकते हैं। उसी तरह से एमएस पावर पॉइंट में आपको ऐसी स्लाइड्स मिलती हैं। अब जैसे ये हमारी पहली स्लाइड है, इस पर काम हो गया, हमने टाइटल सबटाइटल डाल दिया है। अब हमको आगे काम करना है, आगे कुछ लिखना है, तो उसके लिए हमको ज़रूरत होगी नई स्लाइड की, क्योंकि एमएस पावर पॉइंट में सारा काम स्लाइड्स पर होता है। तो नई स्लाइड हम कैसे लाएं ये देख लेते हैं। इसके लिए ये यहाँ पर जो न्यू स्लाइड का ऑप्शन आपको मिलता है, ये जो स्लाइड सी नज़र आ रही है, इस पर जा कर के आप क्लिक कर दें। ये देखिए, क्लिक करते से ही एक नई स्लाइड आपके सामने आ जाएगी। जैसा कि अभी हमने आपको बताया कि यहाँ पर न्यू स्लाइड पर जाकर क्लिक करने से ये नई स्लाइड आई। यहीं पर नीचे आप देखेंगे डाउनवर्ड एक एरो है, इस पर अगर आप क्लिक करते हैं तो ये लेआउट्स आपके सामने आ जाएंगे, यानी नई स्लाइड आप किस लेआउट में चाहते हैं, किस तरह से दर्शाना चाहते हैं, वो आप यहाँ से चुन सकते हैं। जैसे अगर आप ये चुनते हैं तो ये टाइटल स्लाइड है, इसमें ऊपर और नीचे ऐसे ये दो टाइटल आ जाएंगे। ये वाली स्लाइड अभी आप देख ही रहे हैं, यहाँ पर ऊपर टाइटल है और नीचे कंटेंट इसमें है, मतलब टेक्स्ट डालना हो या फिर आपको चार्ट या कोई भी क्लिप आर्ट कुछ भी डालना है तो वो यहाँ पर आ जाएगा। अगर आप ये लेते हैं तो इसमें यहाँ पर आपका टाइटल आ जाएगा और यहाँ पर ऊपर मेन टाइटल से जुड़ी हुई कोई भी बात अगर आपको लिखनी है तो यहाँ पर आ सकती है। किस तरह से आपको बता देते हैं, मान लीजिए आपने चुना तो यहाँ देखिए, यहाँ पर हमने टाइटल डाल दिया और अब ये यहाँ पर हमने डाल दिया बाय ज्ञान यज्ञ। तो जो भी हमारा मेन टाइटल है उससे जुड़ी हुई कोई चीज़ अगर हमको यहाँ पर डालनी हो तो वो इसके ऊपर यहाँ पर आ जाती है। जैसे आपको मान लीजिए लिखना है तुलसीदास रचित रामचरितमानस, तो उसमें हमारा मुख्य जो टाइटल है वो तो हो जाएगा रामचरितमानस, जो यहाँ पर बड़े अक्षरों में आ जाएगा, और तुलसीदास कृत या तुलसीदास रचित यहाँ पर छोटे अक्षरों में ऊपर इसमें आ जाता है। फिर अगर आपको ये ऊपर टाइटल रखना है और फिर नीचे दो अलग अलग कंटेंट्स चाहिए, चार्ट चाहिए, क्लिप आर्ट चाहिए, कुछ और भी चाहिए, तो वो ये वाला लेआउट आप ले सकते हैं। कंपैरिजन के लिए अगर आपको रखना है तो ये लेआउट आप ले सकते हैं। केवल टाइटल चाहिए हो तो ये लेआउट आप चुन सकते हैं। अगर आपको पूरी खाली स्लाइड चाहिए, मतलब आप कुछ भी नहीं चाहते हैं स्लाइड पर, अपने हिसाब से आपको लेआउट तैयार करना है, तो आप ये ब्लैंक ले लें। तो ये देखिए, ये पूरी ब्लैंक आ गई। अब आप इसमें कंटेंट डालें या टेक्स्ट डालें या जो भी डालना है वो आप डाल सकते हैं। इसके बाद कंटेंट विद कैप्शन है तो ये कंटेंट आ जाएगा साइड में, जो है आप कैप्शन दे सकते हैं। और पिक्चर विद कैप्शन है तो इस पूरी स्लाइड पर पिक्चर आ जाएगी और नीचे आप कैप्शन डाल सकते हैं। तो इस तरह से हम कोई भी लेआउट चुन सकते हैं। और अब देखिए, जो जो भी स्लाइड हम लेते गए वो यहाँ पर टैब्स पेन में आपको नज़र आ रही हैं। और अब इसमें से जो भी स्लाइड पर आप काम करना चाहते हैं, जिस भी स्लाइड पर आप काम करना चाहते हैं, उस पर क्लिक करने से वो स्लाइड यहाँ पर आ जाएगी। ये देखिए, ये पहली स्लाइड आ गई, दूसरी पर क्लिक किया तो ये दूसरी स्लाइड आपके सामने आ गई। इस तरह से जो भी स्लाइड आप चुनेंगे वो आपको यहाँ पर नज़र आ जाएगी। इसके अलावा यहाँ स्क्रोल बार दिया होता है, इससे भी ऊपर नीचे करके आप देख सकते हैं कि आपकी स्लाइड बदलती जा रही है। ये देखिए, अब सेकेंड पर है और ऊपर गए, ये फर्स्ट आ गई।
इसके अलावा आपके पास ये जो प्रीवियस स्लाइड और नेक्स्ट स्लाइड, इसके लिए दो एरोज हैं। इससे आप जो भी स्लाइड स्लाइड पेन पर आपको नज़र आ रही है उससे पहले वाली स्लाइड और उसके बाद वाली स्लाइड आप देख सकते हैं। जैसे ये पहली स्लाइड है, अब अगर आप नेक्स्ट स्लाइड पर जाते हैं तो ये दूसरी स्लाइड आपको नज़र आ गई, फिर नेक्स्ट पर जाएंगे तो उससे अगली वाली स्लाइड, ये जो तीसरी है वो आ गई, और ये है प्रीवियस पे जाएंगे तो ये देखिए सेकंड वाली आ गई। तो जिस भी स्लाइड पर आपको काम करना हो वो आप टैब्स पेन पे क्लिक करके भी चुन सकते हैं, स्क्रॉल बार से भी चुन सकते हैं, और यहाँ पर आपको प्रीवियस और नेक्स्ट स्लाइड के लिए जो एरोज दिए हैं वहाँ से भी चुन सकते हैं। एमएस पावर पॉइंट 2007 के इस अध्याय में हमने सीखा होम टैब के अंतर्गत स्लाइड्स ब्लॉक में नई स्लाइड लाना और स्लाइड लेआउट का उपयोग करना।